काफी अच्छा लग रहा है उनके सोच पे। तो अभी क्या हो रहा है? ये हूँ मैं और ये है मम्मा। और आज मम्मा बाल धोई अपना, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, लेकिन मम्मा आज अपना बाल धोई है। और जैसा कि आज आप सबको पता है, आज धूप नहीं निकली है, तो मम्मा ने सोचा अपने हेयर ड्राई करने का। तो मम्मा भी हेयर ड्राई कर रही है अपना, और अभी इनकी दृष्टि में आ रहे उनके बाल, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं उनके सोच पे। हेलो मम्मा, तो उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू लेता है। हेलो मम्मा, आपको क्या फीलिंग आ रही है करने में? बहुत मजेदार लग रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। अच्छा, लिटिल बिट हॉट। इतना हॉट पानी मिल जाए, मम्मा भी सोचूंगा इतना हॉट पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओह मम्मा, यू आर नॉट जियान। मैं हूँ माशा। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी। उसमें डालूंगी ये मसाले, प्याज का कोई मैच नहीं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि डिफरेंट बनाऊं, बिल्कुल अलग सा मसाला। तो आज मैं घर के मसाले यूज नहीं कर रही हूँ, और आज मैं ये छोटा पैकेट मसाले का यूज कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। ये देखो मेरे आलू गोभी की सब्जी, इसमें गए हैं सारे मसाले। और अब इसमें जाएंगे सारे टमाटर, ढेर सारे टमाटर। इसमें जाएगा हल्दी, ये रहा हल्दी। अब इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें एक चीज रह गई है, लहसुन का पेस्ट डालना। तो वो अभी सोमू लहसुन छिल रही है, फिर उसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी, कूट के डालूंगी। तब तक ये सारे मसाले भून जाएंगे अच्छे से, है ना। इसमें एक चीज और रह गई है, पूछो पूछो क्या 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 पूछो। नमक, जो हर खाने में लाता है स्वाद, ये रहा नमक। अब जाती हूँ लहसुन लेने समूह से। समूह हो गया बेटा गार्लिक। से हेलो। तो मेरी बेटी ने गार्लिक छील दिया है मेरे लिए, दे दो मुझे हाथों में दो चार। सारे नहीं, सिर्फ दो चार, ज्यादा हो गया इतना। तो इतनी सारी गार्लिक हो गई है, बट इसमें से मैं कमी यूज करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। तो पहले मैं लहसुन डाल दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
आजकल ना लहसुन में टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ के लहसुन भी जो है डाल दो पर टेस्ट नहीं आते लहसुन में यहाँ के। चलो लहसुन भी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा भून लेती हूँ फिर पानी डालूंगी। एकदम टमाटर वाली ग्रेवी बना रही हूँ इसकी। वैसे मैं चाहूँ तो इसमें पानी बिना डाले ऐसे भी उतार सकती हूँ, बट मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी क्यों डालूंगी, क्योंकि हमें खाना है राइस के साथ। तेरी छत में जिसे अब मैं डालूंगी इसमें पानी। डाल दिया पानी। अब पानी डाल दिया है सब्जी में और इसको ढक देते हैं प्लेट से, कुकर से नहीं ढकूंगी, क्योंकि अगर कुकर से ढक दूंगी ना तो गोभी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने हेयर में हाइलाइटिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। देखो मैंने हाइलाइटिंग करवाई थी, ये देखो मेरी हाइलाइटिंग कैसी लग रही है यहाँ पे हाइलाइटिंग। अभी देखो इधर का और मैं दूसरे साइड का दिखाती हूँ, ये देखो इधर का। तो अभी क्या हो रहा है, वन मंथ के नियर अबाउट तो हो ही गया मुझे हाइलाइटिंग करवाए हुए, और मेरी ये जो मैंने हाइलाइटिंग करवाई थी ये कलर अब फेड हो रहा है, देख रहे हो बिल्कुल। जो मैंने ना डार्क ब्राउन करवाया था वो अब वाइट वाइट सा हो रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम्हारे हाइलाइट्स ऐसे हो गए हैं जैसे कि किसी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं वैसे हो रहे हैं, और उस तरह से अब दिखाई दे रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। या तो अब इसे वापस फिर से टचअप कराया जाए, या तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएंगे, एकदम समझ लो वाइट से मिलता जुलता सेड हो जाएगा। थोड़ा सा एलोइश लगेगा बट वाइट से मिलता हुआ चला जाएगा। तो ये है इसकी फैक्ट कि अगर आप हाईलाइट कराते हो ना तो क्या होता है कि आपके बालों को ये जो ब्लैक हेयर है ना इसको पहले ये लोग वाइट कर देते हैं, यानी जैसे आपके ब्लैक हेयर है तो इस पर ये कलर तो चढ़ेगा नहीं, तो इसलिए ये लोग पहले ब्लैक कलर को पूरा वाइट कर देते हैं, वाइट करने के बाद में तब ये कलर चढ़ाते हैं इस तरीके से। ये जो कलर आप देख रहे हो इस तरीके से ये हाईलाइट चढ़ाते हैं। तो क्या है कि जब ये कलर उतरते हैं तो आपके ब्लैक कलर वापस नहीं दिखाई देते, इवन क्योंकि ब्लैक कलर को वाइट कर दिए रहते हैं तो आपका जो है वो वाइट ही कलर दिखता है, और ये तब तक ब्लैक नहीं होगा जब तक ये बढ़ते 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 बिल्कुल नीचे को ना चला जाए और वहाँ से आप कट करके उसको बिल्कुल बाहर का रास्ता ना दिखा दें, तब तक ये आपको ऐसे ही नज़र आने वाला है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या तो फिर जाइए फिर से उनको पैसे दीजिए और वापस से इस पर कलर डलवाइए, आपको जो भी कलर डलवाना है तो ये कर सकते हैं।
तो ये मैंने देखा हाईलाइट करवा के कि भैया ये बहुत पैसे वालों के चोचले हैं, ये करवाना बेकार है हाईलाइट वगैरह। और मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगता है हाईलाइट करवाने से। मुझे ऑप्शन दिखा जब मैं गई थी वहाँ पे सरोजनी मार्केट, तो वहाँ से आप जो है ना कि हाईलाइट खरीद सकते हो, हाईलाइटिंग वाले ना हेयर बिल्कुल एज इट इज, ऐसा लगता है कि आपके हेयर ही हैं, उस तरीके का हाईलाइट्स बिकता है मार्केट में 50 रुपये पर पीस के हिसाब से, और कहीं कहीं 100 रुपये पर पीस के हिसाब से भी है। तो आप देख सकते हो जहाँ से आपको टन के मिले वहाँ से ले सकते हो, तो वो ले लो। और जब भी आपको शौक हो, आपको मन कर रहा हो कि मुझे हाईलाइट आज अपने बालों में दिखाना है, तो आप वो नकली मुकली वाला लगा लो हाईलाइट थोड़े समय के लिए, पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो वो बेटर है, कम से कम आपके बाल नहीं ख़राब होंगे। ऐसे तो क्या है कि आपके बाल ही पूरे वाइट हो जाते हैं भाई, आपके मतलब अभी से ही बूढ़ा बना दिया जाता है आपको ज़बरदस्ती का वाइट करके बालों को, ये बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जब मैं हाईलाइट कराने गई थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि आपके ब्लैक हेयर को वाइट करके तब कलर चढ़ाया जाता है, मैंने सोचा था कि ब्लैक हेयर के ऊपर ही चढ़ाया जाता है और कुछ समय बाद जब कलर हट जाता है तो आपके ब्लैक कलर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे सब चीज़ें पता चली, समझ में आया। तो मैं आपको यही हकीकत बताना चाह रही थी कि भाई हाईलाइट अगर आप कराना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि हाईलाइट होने के बाद आपके जो काले बाल हैं ना वो नहीं आएंगे, वो वाइट बाल ही आएंगे आपके। जब तक ये बाल पुराने जो बाल है पूरे इतने लंबे होते होते नीचे ना चले जाए तब तक आपको मैनेज करना पड़ेगा। या तो आप बार बार पैसे लगाओ और इस हाईलाइट को बार बार से टचअप करवाते रहो ताकि इसका कलर अच्छा दिखता रहे, और नहीं तो ऐसे ही बेकार कलर के साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखो फिर भी मैंने बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए मेरे हेयर जो है ना झाड़ू जैसे ये नज़र नहीं आते। वरना जो लोग हाईलाइट करवाए रहते हैं आप उनके बाल देखोगे तो बिल्कुल झाड़ू जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको मेंटेन बहुत करना पड़ता है, हाईलाइट करवा लो या फिर कलर करवा लो, मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मेंटेन करने के लिए तैयार हो, इस पे मेहनत करने के लिए तैयार हो, कंडीशनिंग वगैरह बहुत करनी पड़ती है ताकि ये सॉफ्टनेस जो है इसके अंदर बना रहे, नहीं तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा आपका हेयर और झाड़ू जैसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये सब करने के लिए तैयार हो तभी हाईलाइट करवाना, वरना वो जो मैंने दूसरा तरीका बताया वो तरीका सबसे बेस्ट है। चलो आज का ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत। मैं जा रही हूँ खाना खाने, भूख लग गई है भाई, आफ्टरनून का वक्त हो गया है। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे आप सभी से, टिल देन बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।